ये पीछे जो चांदी के पहाड़ से देख रहे हैं, ये पहाड़ों पे बर्फ गिरी हुई है। ये देखिए, ये ग्लेशियर, वही ये ग्लेशियर है जिससे होके 3 साल पहले प्राकृतिक आपदा आई केदारनाथ के अंदर। इसी रास्ते से होकर पानी का तेज बहाव आया, पत्थर चट्टाने लेते आए और पूरे केदारनाथ समेत रामबाड़ा और सोनप्रयाग तक में तबाही मचा के रख दी। ये जितने मोटे मोटे जो पत्थर देख रहे हैं, ये पानी के साथ ही बहकर आए थे। अब देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज केदारनाथ धाम के लिए, ये है वो शिला, इसे भीम शिला का अब नाम दे दिया गया है। जी हाँ, आप देख रहे हैं पीछे मंदिर और आगे है ये भीम शिला। यही वो शिला है जो मंदिर के पीछे आके रुक गई और पानी के वेग को, बहाव को काट के रख दिया और भगवान केदारनाथ का मंदिर जैसे बरसों बरसों से था वैसे ही सुरक्षित रहा। तभी तो लोग कहते हैं जय बाबा केदारनाथ की, जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव की। उस समय जब हम यहाँ मौजूद थे तो ऊपर से जो है, जहाँ ये भीमशिला, वो चट्टान, सफेद चट्टान दिखाई दे रही है, वहाँ से एक ग्लेशियर फटा और उस ग्लेशियर फटने से जो है उस सारा पानी जमीन उखाड़ करके ले गया। और इसके बाद ये भीमशिला जो मंदिर के पीछे है, उसी ने जो है मंदिर को बचाया था और हम लोग कहीं एक दूसरे के मकान में खड़े होकर के बच गए हैं। इसीलिए जो है कहते हैं कि भगवान श्री केदारनाथ जी की तपस्थली में हम लोग इस प्रकार से रह करके एक अपना पूजा अर्चना के बाद ही जो है यहाँ पर हम लोग भगवान केदारनाथ का द्वादश एकादश अंतर्गत हम लोग यहाँ भगवान शिव की पूजा करवाते हैं। और यात्री जो भी आता है उन लोगों को हम लाइन के द्वारा ही पूजा पाठ इत्यादि का काम करवाते हैं। बोल केदारनाथ भगवान की जय। यह है महेंद्र शुक्ला जो चश्मदीद गवाह है 3 साल पहले आई आपदा का, विपदा का, और इन्होंने देखा अपनी आंखों से वो सब कुछ और अब मंदिर को पूरी तरीके से सुरक्षित है, क्योंकि जिस सृष्टि को बचाने वाले भगवान शिव स्वयं है, उन्हें भला कौन कुछ बिगाड़ सकता है। केदारनाथ धाम से पत्रिका.com के लिए उर्क्रम शर्मा।